नमस्कार दोस्तों, गुनी गुरु के तरफ से मैं डॉक्टर जितेंद्र अढ़िया आपका स्वागत करता हूँ। विजुलाइजेशन, कल्पना यानी मनोचित्रण, ये एक ऐसा विज्ञान है जो अगर हमने सीख लिया और इस्तेमाल किया तो हमारे जीवन में ऐसा संघर्ष खत्म हो जाएगा और हमारे जीवन में रिजल्ट ही रिजल्ट मिलेगा। ये बात मैंने बहुत साल पहले जानी, उसका मैंने लाइफ में इस्तेमाल किया और मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव आया। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप भी इसके बारे में जानें। विजुलाइजेशन यानी कल्पना, बचपन में हम कल्पनाशील होते हैं, बहुत सारी कल्पना करते हैं। जब हम कल्पना करते हैं तो हमारे यहाँ पे चित्र बनते हैं और वो चित्र हमारे अर्ध जागृत मन में चले जाते हैं और हमारा अर्ध जागृत मन उसे हकीकत में बदलने लगता है और हमारे जीवन में रिजल्ट मिलता है। विजुलाइजेशन दो तरीके से होता है, एक बाय डिफॉल्ट अनजाने में हो जाता है जो हमने बचपन में किया है, और एक बाय डिज़ाइन जो हम सोच समझ के प्लानिंग के साथ करते हैं। रिजल्ट दोनों का मिलता है, मगर पहले का रिजल्ट, कभी गलती से हमने गलत विजुलाइजेशन किया, वो भी मिल जाएगा। तो हमारे जीवन में कभी खुशी कभी गम ऐसा रहेगा, मगर हम बाय प्लान बाय डिज़ाइन करेंगे तो हमारे जीवन में हमेशा खुशियाँ रहेगी, क्योंकि कोई नेगेटिव विजुलाइजेशन हम नहीं करेंगे। दोस्तों, मेरे में जीवन के दो चार एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। वैसे मेरा जीवन है पूरे विजुलाइजेशन के एग्जाम्पल से भरा हुआ, उसके बाद का भी कुछ एग्जाम्पल है जो बियॉन्ड विजुलाइजेशन है। मैंने विजुलाइज नहीं किया फिर भी हुआ, अच्छा हुआ मेरे लाइफ में, मगर मैं मेरे लाइफ के विजुलाइजेशन के एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं छोटा था, स्कूल में था, तो मैंने एक फिल्म देखी थी हिमालय की गोद में, जिसमें मनोज कुमार और माला सिन्हा थे और हिमालय की गोद में वहाँ एक गांव में वो डॉक्टर का रोल करते थे, प्रैक्टिस थे, और उनकी बहुत अच्छी लाइफ थी। तो मैंने देखा यार ये कितनी अच्छी लाइफ है, मुझे तो ऐसी लाइफ चाहिए, मुझे तो डॉक्टर ही बनना है। बस तब तक मैं पढ़ने में अच्छा नहीं था, मगर जैसे वो फिल्म देखी, डॉक्टर बनने का मेरे अंदर आ गया, तो मैंने पढ़ने में बहुत दिलचस्पी दिखाई और मैं मेडिकल कॉलेज में गया, डॉक्टर बना। और डॉक्टर के बाद अचानक ऐसा हुआ कि मुझे विलेज में प्रैक्टिस करने की इच्छा हुई और राजकोट के बाजू में मैंने एक विलेज में प्रैक्टिस स्टार्ट की। तब मुझे याद आया यार ये तो मैंने एक बार सपने में देखा था, यानी कि विजुलाइज किया था, हिमालय की गोद में पिक्चर देख रहा था तब थिएटर में बैठ के। बिल्कुल वैसी लाइफ मुझे मिली जो हिमालय की गोद में मैं मनोज कुमार को एज ए डॉक्टर जो रिस्पेक्ट मिलता है वो मुझे मिलने लगा। वैसा ही गांव था जैसा मैंने फिल्मों में देखा था, और मेरी वाइफ की शक्ल भी माला सिन्हा से मिलती जुलती थी। यानी कि देखिए, मैंने बाय डिफॉल्ट विजुलाइजेशन किया और वो मेरे जीवन में हुआ। दूसरा एग्जांपल, मैं मैट्रिक के वैकेशन में 1967 में मैं बम्बई गया था फर्स्ट टाइम, और पहले दिन मैं चौपाटी मरीन ड्राइव पर चला गया और वहाँ वह मरीन ड्राइव पर बैठा रहा गाड़ियों की लाइन देखते देखते। कारण क्या था कि मैंने कभी मर्सिडीज नहीं देखा था और मर्सिडीज के बारे में मैंने बहुत सुना था, तो मेरा एक सपना था यार मर्सिडीज देखनी है, और मुझे मालूम था वहाँ मर्सिडीज ज़्यादा दिखती है। पूरा दिन देखता रहा सब गाड़ियों को, वो जमाना एम्बेसडर फियाट का था तो मर्सिडीज अलग दिख जाती थी, तो मर्सिडीज को देखते ही मेरे दिल में धड़कनें बढ़ती थी, हाय मर्सिडीज, ऐसे कितने नसीबदार लोग हैं जो मर्सिडीज में घूमते। तब मेरे घर में साइकिल भी नहीं थी, यानी बाय डिफॉल्ट मैंने मर्सिडीज का विजुलाइजेशन कर लिया। दोस्तों, भूल भी गया था, 1985 में मैं सऊदी अरबिया गया डॉक्टर की नौकरी करने को, गवर्नमेंट के अंदर मैं मेडिकल डॉक्टर था, तनख्वाह अच्छी थी, और पहले ही महीने में मैंने कार खरीदी मेरी जो मेरी लाइफ की पहली कार थी, और दोस्तों वो मर्सिडीज थी। मैंने 6 साल उसको इस्तेमाल किया, 1,00,000 किलोमीटर सऊदी अरबिया में चलाया। ये मेरा बाय डिफॉल्ट विजुलाइजेशन था, तब मुझे मालूम नहीं था कि ये विजुलाइजेशन है। एक और विजुलाइजेशन की बात करता हूँ, जब मैं छोटा था तो साइकिल चलाने का शौक था, तो मैं किराए की साइकिल लेकर राजकोट एयरपोर्ट जाया करता था, वहाँ से एरोप्लेन को नज़दीक से देखने के लिए। आसमान में एरोप्लेन देखना और उतरते चढ़ते देखना, उसकी एक मज़ा ही अलग रहती थी। मैं वहाँ खड़े खड़े देखता था एयरपोर्ट के ऊपर, तब मेरे दिन में हलचल होती थी यार साइकिल चलाने में इतनी मज़ा है तो एरोप्लेन उड़ाने में कितनी आती होगी, मुझे तो एरोप्लेन चलाना है। मगर किसी ने मेरी सुनी नहीं, मेरा पायलट बनने का सपना नहीं हुआ दोस्तों, और मैं डॉक्टर बन गया। मगर 5 साल पहले मुझे पता चला कि अभी भी मैं पायलट ट्रेनिंग ले सकता हूँ, और दोस्तों मैंने 65 ईयर्स में पायलट ट्रेनिंग ली और मैंने 37 आवर प्लेन चलाया, उड़ाया, शौक से उड़ाया, वो भी पायलट बना, जो मेरा एक बचपन का सपना था जो मैंने विजुलाइज कर लिया था। 65 ईयर्स में पायलट ट्रेनिंग शुरू करना है, ये भी शायद वर्ल्ड का मेरा रिकॉर्ड होगा।
दोस्तों ये सब विजुलाइजेशन से हुआ है, आप भी विजुलाइज करें। आप पहले सोचिए आपके जीवन में अभी जो कुछ भी हुआ है आपने कभी ना कभी विजुलाइजेशन किया होगा जो बाय डिफॉल्ट था, अब बाय डिज़ाइन विजुलाइजेशन करिए। उसके लिए मेरी एक किताब भी है विजुलाइजेशन की, उसको जरूर पढ़िए। इंडिया में विजुलाइजेशन के ऊपर एक ही किताब है, वो मेरी है, तीनों भाषा में है, गुजराती हिंदी इंग्लिश। जरूर पढ़िए, बाय डिज़ाइन विजुलाइजेशन करिए और अपने जीवन को और सुंदर बनाइए। ऑल द बेस्ट।